टॉक्स, मैं हूँ दिव्या जी और आज मैं आपके सामने गंभीर समस्या लेके आया हूँ। मेरे मॉम डैड हर वक्त टेंशन में रहते हैं, मैं स्कूल गया कि नहीं, क्लासेस पहुँचा कि नहीं, या दोस्तों के साथ पानी पूरी खाने चला गया। वो फोन मुझे देते नहीं क्योंकि उन्हें डर लगता है कहीं मिसप्लेस ना कर दूं या एडिक्शन ना लग जाए। मेरे मॉम डैड जैसे हजारों मॉम डैड ये सेम इशू फेस करते हैं और इस इशू को रिजॉल्व करता है वॉच आउट वेयरबल्स का एक क्यूट बट पावरफुल स्मार्ट वॉच। अरे अरे आप कंफ्यूज मत होइए, मैं ये कंपनी का फाउंडर नहीं, मैं तो बस एक यूजर हूँ, फाउंडर तो मेरे चाचू हैं। कितना कॉन्फिडेंटली बोले आप। हाय टॉक्स, मैं हूं अभिषेक एंड मैं हूं वॉच आउट वेरिएबल्स का फाउंडर। वॉच आउट वेरिएबल्स बनाता है बच्चों के लिए स्मार्ट वॉच जो कि बनी है तीन फंडामेंटल्स पे, सेफ्टी, कनेक्टिविटी एंड क्यूरियोसिटी। सेफ्टी क्योंकि इसमें है जीपीएस ट्रैकर जिससे आप अपने बच्चों की लोकेशन देख सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर जो इसमें बिल्ड है वो है कनेक्टिविटी, आप अपने बच्चों से एंड बच्चा आपसे कभी भी और कहीं भी वीडियो कॉल्स एंड ऑडियो कॉल्स के माध्यम से कनेक्टेड रह सकता है। एंड तीसरी और सबसे लेटेस्ट वाली फीचर जो हमने निकाली है वो है क्यूरियोसिटी। हमारे वॉच में हमने बिल्ड किया इनबिल्ट ऑब्जेक्ट डिटेक्शन स्कैनर जिससे बच्चे फॉर फन लर्निंग ऑब्जेक्ट स्कैन करके उसका मीनिंग एंड डेफिनेशन जान सकते हैं। शख्स, आपके मन में ये सवाल तो आया ही रहेगा, मार्केट में तो बहुत सारी वॉचेस हैं, ये वॉच उससे डिफरेंट कैसे? एब्सोल्युटली दिव्या जी, हमारी वॉच में सिम डलता है, उसमें सिम नहीं डलता। हमारी वॉच एक इंडिपेंडेंट डिवाइस है जो बिना फोन के काम कर सकती है। शख्स, हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च करा इस साल की शुरुआत में एंड अब तक 3000 से भी ज्यादा पेरेंट्स और उनके बच्चे हमारा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। हमारा विजन है कि हम बच्चों को एक ऐसा डिवाइस दे जो कि ना सिर्फ उनको स्मार्ट रखे बट सेफ भी रखे। हमारा आस्क है 2 crore फॉर अ 5% इक्विटी। शार्क्स, अगर आपकी इजाजत हो तो हम एक छोटा सा फंक्शन और डेमो देना चाहेंगे। अच्छा बोला। थैंक यू। शार्क्स, ये है हमारी नेक्स्ट जेन की किड स्मार्ट वॉच। इसके जो स्ट्रैप्स हैं, ये ब्रीदेबल सॉफ्ट सिलिकॉन से बने हैं ताकि बच्चे उनको आसानी से पहन पाए कंफर्टेबली। आप ऊपर देख पा रहे होंगे इसमें एलिवेटेड एजेस हैं क्योंकि हम जानते हैं बच्चे काफी ड्रॉप करेंगे इसे, इसलिए स्क्रीन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट ना हो इसलिए एक एलिवेटेड एज भी दे रखा है। यहाँ पे है 0.5 megapixel का कैमरा जिससे बच्चे अपनी सेल्फीज भी ले सकते हैं, वीडियो कॉल ऑडियो कॉल भी इसके माध्यम से होता है। यहाँ पे दो बटन्स के बीच में आपको दिख रहा होगा सिम स्लॉट है जहाँ पे आप अपना नैनो सिम इंसर्ट कर सकते हैं। जो साइड में आपको बटन दिख रहा है, दिस इज एन SOS बटन जिसको बच्चा अगर 3 सेकेंड से ज्यादा देर तक दबाएगा तो पेरेंट्स के पास नोटिफिकेशन जाएगा और तो और उसकी 30 सेकेंड की सराउंड साउंड की रिकॉर्डिंग भी जाएगी एंड लास्ट लोकेशन भी ताकि पेरेंट्स कुछ एक्शन ले पाए। वॉच के बैक में आप अगर देखेंगे थोड़ा सा तो उसमें है वो एंटी टेक ऑफ सेंसर, जैसे कि अगर जो भी बच्चे के हाथ से वॉच निकालेगा उसको पेरेंट्स को एक नोटिफिकेशन आ जाएगा तो वॉच हैज बीन रिमूव्ड। कोई भी अगर बच्चा खुद भी निकालेगा तो? हाँ, बच्चा खुद भी निकाले तो भी पेरेंट्स को पता चलेगा। विनीता मैम, अगर आप आना पसंद करेंगे यहाँ पे तो हम एक लाइव इंटरफेस का डेमो भी आपको दिखाना चाहेंगे। ओके, सो आई हैव दिस वॉच व्हिच आई हैव कनेक्टेड। ओके मैम, ये वॉच रहती है बच्चों के हाथ में एंड पेरेंट्स के पास ये इंटरफेस रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे वीडियो कॉल करना हो तो आई विल जस्ट प्रेस द वीडियो कॉल आइकन। जस्ट मैम, कैन यू प्लीज पिक इट अप? हाय बेबी शार्क। हाय बेबी शार्क। थैंक यू। इट्स गुड। एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स, ये वाला क्लास मोड। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू थिंक कि बच्चा अगर गेम्स डालेंगे तो यू नो यू फील इट इज टू मच इनग्रॉस्ड, तो हम सीधा क्लास मोड ऑन कर देंगे कि हाँ बच्चा अगर हमें पता है कि इज टू मच इनग्रॉस्ड इनटू द वॉच। अभिषेक, दिव्यजीत, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सो इफ दिव्यजीत वांट्स टू गो इट्स ओके, यू कैन बी हियर। हां दिव्यजीत। या थैंक यू दिव्यजीत। थैंक यू अभिषेक। ये बताओ, आपने जब ये बिजनेस शुरू किया तो आपको ये नीड कहां से आई? इसका नीड विल गो बैक टू ईयर 2008 जहाँ हमारे फैमिली के साथ एक ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ था। हमारे बॉम्बे के घर में ड्यू टू शॉर्ट सर्किट फायर लग चुकी थी। उस टाइम घर पे थे दिव्यजीत, उसकी बड़ी बहन, उसके दादाजी
और उसकी मम्मी, बट उस हादसे से बाहर निकल पाए सिर्फ दिव्यजीत और उसकी मम्मी। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चला कि यू नो स्मोक वाज द कॉज ऑफ दैट। ये बात मुझे काफी झंझोड़ के रखती है कि कितनी देर तक उस मासूम ने मदद की गुहार लगाई होगी, बाहर की दुनिया से एटलीस्ट रीच आउट करने की ट्राई की होगी 30-45 मिनट्स तक, बट किसी को पता नहीं चला तो कोई रीच आउट नहीं कर सका। इसीलिए बच्चों के लिए पेरेंट्स से कनेक्टेड रहना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी फैमिली के साथ तो बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन हुए, बट आजकल के पेरेंट्स थोड़े पैरानॉइड होते भी हैं अपने बच्चे की सेफ्टी एंड कनेक्टिविटी को लेकर। इसलिए हमारे मन में था कि हाँ, गैजेट्स आने चाहिए बच्चों के। सॉरी फॉर योर लॉस, लेकिन ये हादसा सुन के मुझे भी एक बात याद आई, तो सिर्फ बच्चों के लिए क्यों, वाई नॉट फॉर वेरी ओल्ड पीपल। मेरी नानी के साथ ये हो गया 2 साल पहले, शी पेरिश्ड इन अ फायर। और मुझे भी बहुत टाइम ये ख्याल आता है, मैंने हॉस्पिटल में काफी टाइम बिताया उनके साथ, कि वो कितने टाइम चिल्लाई होंगी। And it breaks my heart every time I think about it. So why not for old people as well? आपका question बहुत valid है, and hence जब आप हमारे अगले product के launches में देखेंगे, हमारे पास एक senior citizen smartwatch भी है, but उनकी safety में थोड़ा सा फर्क रहेगा। सही बात। जैसे falling. सबसे इम्पॉर्टेंट इज फॉलिंग, दैट इज वाई वी हैव एन एंटी फॉल अलार्म। इसमें जैसे ही अगर पेरेंट्स गिरते हैं तो आपको तुरंत ही इसमें नोटिफिकेशन आता है कि मेरे पापा स्लिप हो गए हैं, सो प्लीज रीच आउट। और इसमें रीच आउट भी नहीं, डायरेक्ट कॉल भी लग सकता है, यू हैव दैट ऑप्शन। वाओ, अमेजिंग। एंड उनके लिए सेफ्टी वुड जस्ट नॉट मीन स्टेप्स एक्सेट्रा, इट वुड मीन टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट। बट ये मैं आपका आंसर करता हूँ, ये वेयरेबल इंडस्ट्री में जो घड़ियाँ आ रही हैं, हम लोग भी वेयरेबल इंडस्ट्री में जो घड़ियाँ ला रहे हैं, ये वाले फीचर तो आ रहे हैं, बट ये जो किड्स वॉच है ना, ये अभी सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है। आपकी एज क्या है अभिषेक? मेरी 32। और आप इससे पहले क्या करते थे? आई एम अ केमिकल इंजीनियर गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, एंड फिर मैंने MBA किया था, SR स्टील में जॉब भी किया हुआ है, एंड MBA किया इन सेल्स एंड मार्केटिंग फ्रॉम SCMHRD पुणे, एंड देन आई वर्क विद पिडलाइट इंडस्ट्रीज एज वेल। पहले बताइए, ये डिजाइन किसका है, इसमें आपका क्या मोट है? सर, ये पूरा जो डिजाइन आप देख रहे हैं ये हमारा बनाया हुआ है, दिस इज आवर कॉपीराइट डिजाइन। वेरी इंप्रेसिव, इसमें कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया लिखा है। तो सॉफ्टवेयर भी आपने बनाया पूरा इसका? हां, ये फर्मवेयर हमारा बनाया हुआ है। प्राइस क्या है इसका? इसका प्राइस अभी जो मार्केट में सेलिंग प्राइस है वो 10,000 के अराउंड चल रहा है। 10,000? यस यस। वाओ, 10,000। पर नॉर्मल स्मार्ट वॉच 2-3 हज़ार रुपए में आ जाता है आजकल। इट बॉइल्स डाउन टू टेक्नोलॉजी, वो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी यूज कर रही है सर, 4,000 रुपए। तो अगर 7 साल के बच्चे को अगर आप दे दोगे वो वॉच, वो खेलेगा, एंजॉय करेगा, बट वेयर इज सेफ्टी एंड कनेक्टिविटी टू इट? गुड पॉइंट। परेशान तो नहीं करेंगे बार बार फोन कर करके हर 5 मिनट में? फिर उनको क्लास मोड में डाल देना। नहीं, क्लास मोड की जरूरत ही नहीं है, उसमें एक है कॉल फॉरबिडन, आप बस वो ऑन कर दीजिए, बच्चा आपको कॉल नहीं कर पाएगा, आप जरूर कर पाएंगे। लेकिन ये कॉल फॉरबिडन करने के बाद अगर बच्चे को फोन करना है सेफ्टी के लिए तो? SOS है उसके पास तभी भी, क्लास मोड में भी यू विल हैव वन फीचर जो अलाउ कर देगा कि हाँ, आपको पेरेंट्स को आप भेज सकते हो। ये कैटेगरी नई है मैं मानता हूँ, तो अभी तो मार्केट साइज कुछ होगा नहीं, लेकिन कोई प्रॉक्सी है आपके पास कि मार्केट साइज का अनुमान कैसे लगाएं हम? देखिए, जिस कैटेगरी हम बना रहे हैं 6-13 का, इंडिया की हाईएस्ट पॉपुलेशन सेगमेंट उसमें फॉल करती है, 20%, 20 करोड़ लोग। लेट अस अज्यूम कि ये वाले बच्चे होंगे कि जो अर्बन का, फॉर टाइम बीइंग 30% का वी टेक कि हाँ वो अर्बन, उसमें से भी वी टेक कि चलो 3% आर दी वेल्दी, एंड क्योंकि मेरा प्रोडक्ट अभी एट दिस मोमेंट इज देयर, सो 3% वेल्दी पीपल विल टेक दिस, 18 लाख लोग। उसमें से भी मे बी 20% को शॉर्ट, यू विल टेक योर, यू नो हर बंदा तो आपकी वॉच लेगा नहीं, 20% पकड़ सकते हो, 20% भी पकड़ सकते हो, तो 3.6 लाख। हां, एंड इफ एवरेज प्राइस कंसीडर एज लो एज 6,000 और समथिंग, 5,000। हां, 5,000 भी, तो भी एक अच्छा खासा मार्केट हो जाता है, which turns around to be somewhere between 100 CR. वो तो छोटा मार्केट होगा।
100-150 करोड़ के मार्केट में तो आपकी कंपनी 10-20 करोड़ की बनेगी, तो आप मतलब 40 करोड़ की वैल्यूएशन पे अभी रेज कर रहे हैं, तो किसी भी इन्वेस्टर को एग्जिट कहाँ से मिलेगा? अभी का जो वैल्यूएशन है वो हमारी सेल्स के ऊपर है. जैसे फॉर एग्जांपल हमारा लास्ट ईयर का, हमने जनवरी में स्टार्ट किया था एंड वी डिड 1.1 CR, एंड अभी तक का हमारा है 1.4 CR. इस फाइनेंशियल ईयर में हम कर चुके हैं. पिछले महीने कितना किया? पिछले महीने 25 लाख था. और उसके पहले? उसके पहले हमारा था 5 लाख, बिकॉज हमने मॉडल चेंज किया था. प्रॉफिट कितना था ऑगस्ट? एबिटा इफ यू वुड आस्क इट वुड बी 35%. एबिटा था? हाँ, एंड नेट मार्जिन 25% के आसपास बनता है. ये महीने क्या सेल्स? इस महीने का भी 30 लाख बुक्ड सेल्स. अच्छा, अगले महीने का कितना होगा? 30-40 लाख. उसके बाद टैक्स निकलता है, GST. हाँ, उसके बाद GST निकलेगा. तो उससे भी कम हो गया आपका सेल्स? हाँ. चल मैं ना अपना डिसीजन बना देता हूँ. I know this market well. इसका ना price कम कर लो थोड़ा सा, अगर कर सकते हो scale किसी तरह ले आओ. As a normal Indian consumer, लोग अभी नहीं खरीदेंगे. Go kill it in this market, मतलब before anybody else. Yes. मैं जितना grow कर सकते हो करो. All the best. Thank you. I'm out. Thank you for the advice. देखो आपका product अच्छा है, मुझे लगता है मैं भी इसका user बनूंगा. अभी तो मेरा बेटा छोटा है, तो उसको दे दूंगा तो मेरे को इतने फोन कर देगा कि मतलब मुश्किल हो जाएगा. बट टैम थोड़ा सा अभी ट्रिकी है. मुझे लगता है 2,500-3,000 रुपये पे इसका मार्केट साइज बढ़ेगा. अभी मैं इससे बाहर होना चाहूँगा. मुझे लगता है कि जो आपकी वैल्यूएशन आस है मैं उसके आसपास भी नहीं आ पाऊँगा, इसलिए मैं इससे बाहर. नंबर वन, प्राइस हाई है. सेकेंड, सिंप्लीफाई कीजिए. बहुत सारे फीचर्स हैं, सेफ्टी पे फोकस कीजिए. 40 crores इज नॉट जस्टिफाइड, सो आई एम आउट. आपने अपना फैक्ट्री में कितने पैसे डाले जो आपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाया? सो हमारे मैन्युफैक्चरिंग रेंट पे है द स्पेस, बिकॉज दीज आर हाई वैल्यू लो वॉल्यूम आइटम. 300 square feet के एरिया में ही मोस्टली सब बनता है. 300 square feet के स्पेस में बन जाता है? हाँ, स्पेस में, बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल आइटम. और हमारा अभी का जो प्रोडक्शन है 500 units per month का है. ये आप इनहाउस बनाते हैं? हाँ, ये इनहाउस. वाओ, वेरी गुड यार. आप समझते हो कोडिंग और ये सब करना? आप जानते हो UI, UX और फर्मवेयर आप बनाना जानते हो खुद? UI, UX का still I have knowledge, but no, coding का मुझे इतना knowledge नहीं है. I do not belong to that background. तो फिर भी आपने ये घड़ी बना ली, कमाल है. बहुत बढ़िया, दांत देने को. I think कोई भी product बनाने के लिए common sense चाहिए sir. It doesn't matter your education etc. आपके पास है knowledge, you just need to tell. There are people sitting. तो चलिए आपको एक 2 crore का offer करते हैं. Details नीता जी समझा. तो हमारा ऑफर होगा 10 crore वैल्यूएशन, विच इज 1 crore इन इक्विटी 10% के लिए, 5% अनुपम, 5% मेरा, और उसके ऊपर अनदर 1 crore इन डेट जो 15% इंटरेस्ट रेट पे आपको एज लोन दिया जाएगा. आपका बिगेस्ट चैलेंज ये है कि 5 से 10 साल के बच्चों के पेरेंट्स ही, वहाँ चर्न पेरेंट्स का इतना हाई है कि कोई रिपीट है ही नहीं एक्चुअली मीनिंगफुली. By the time आप एक बार घड़ी लेंगे, आपका बच्चा उस एज से आउटग्रो कर जाएगा, आप फोन दे देंगे. तो बिकॉज अनुपम एंड मैं दोनों के हमारे बच्चे उस एज ग्रुप में है, तो हम एज पेरेंट्स हमें लग रहा है कि यू नो पोटेंशियल है. इट्स अ फैंटास्टिक ऑफर. तो आप सोचिए, बताइए करना है नहीं करना है, आपकी मर्जी. My counter offer would be 1 CR for 5%, which is 20 CR. And जहाँ तक है ये एकदम fair value हमारी अभी तक की. आप sales भी देख सकते हैं, 1.4 CR हम अभी कर चुके हैं, हमारे पास pipeline में भी है. मैं आपको एक simple सी बात समझाता हूँ अभिषेक. कौन valuation determine करता है? Founder नहीं determine करता है, market determine करती है. अगर आपके पास 20 crore या 30 crore की valuation होती तो already आप पैसे उठा लेते. तो वैल्यूएशन तो इन्वेस्टर ही लगाएगा, आपको लेना ना लेना वो आपकी मर्जी है. I'll have to think about it if I can take some time. जाइए बाहर जाके आइए वापस. पापा जागे हुए हो क्या? हाँ, देखो इन्होंने ना एक ऑफर दिया है. तुम लोगे कि नहीं अपने बच्चे के लिए? मेरी बात और है यार. जो पेरेंट्स है ना वो तुम्हारे जैसे इमोशनल होते हैं. प्राइस पॉइंट नीचे आएगा भाई.
भाई क्या लगा? बताइए। बस मैंने मेरे फादर से ही बात की थी, ऑल्दो उनको इतना बिजनेस का नॉलेज नहीं है, तो यही बोला कि यू नो गो विथ व्हाट योर हार्ट सेज, एक और बार तो ट्राई कर ले, पूछ ले, इट इज नॉट बैड इन यू नो स्पीकिंग आउट योर माइंड। वही है कि मतलब आंखों में अनुमान ले लिया, मंजिल को अपनी मान ही लिया, तो फिर क्या मुश्किल क्या आसान, ठान लिया तो ठान लिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या अच्छी, अच्छी बात कह रहे। तो करना तो है ही, वी वुड बी द किंग इन दिस, दैट्स माई बेट टू यू, एंड बिलीव मी सर एंड मैम, यू नो डार्क हॉर्स होता ना, आई एम दैट डार्क हॉर्स, आप लंबी रेस का घोड़ा, सो बिलीव मी। भाई 2 करोड़ रुपए कौन लगाएगा अगर वो बात दिखती नहीं हमको तो? Can you make it 1 crore plus 1 crore in debt for a 7.5%? क्या लग रहा है? नहीं यार, हमारी तरफ से थोड़ा आज non-negotiable है, क्योंकि हमें काफी risk लग रहा है यार। तो आपका call है, जैसी आपकी पास। ठीक है सर, जितना आप मुझ पे बेट ले रहे हैं, मैं भी इस सीन का बेट लेने को तैयार हूँ, डील पक्की है। Good decision under a lot of pressure, and I know it was emotional, but it'll be worth it. It will be worth it for you as well. I like that. I like that. I think you made a good decision.